या को भी बना दे। ये देखे मोहित खुद रोटी बना रहे हैं आज। यहाँ पर तो गैस ही बंद हो चुकी हुई है। यहाँ पर पुलाव हो चुका हुआ है बिल्कुल रेडी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज की रूटीन में हम जो है बनाने जा रहे हैं और साथ में मैं आज आपकी साथ डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ। आए फिर आज की रूटीन को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी कितने प्यारे बादल आ गए हैं, बिजली भी चमक रही है। या को भी बना दे। ये देखें मोहित खुद रोटी बना रहे हैं आज। मोहित जो है ना वो मेरे साथ गुस्सा हो गए थे कि मम्मा ने मुझे एक रोटी बना कर दी है, वो कह रहे मैं खुद ही बनाऊंगा आज अपने लिए रोटी। ये देखिए कितनी छोटी रोटी माय गॉड। मैं जरा करीब से दिखाऊं, देखे मोइज ने कितनी प्यारी रोटी बनाई है। ये देखे मोइज बना रहे। आज मेरे बेटे ने रोटी बनाई है। कभी ऐसे घूम रहे हैं, कभी ऐसे घूम रहे हैं। मुझ घूम क्यों रहे हैं? कह रहे ताकि रोटी गोल बने। वाव, ये देखिए जी रोटी जाने लगी है इसके ऊपर तवे पे। वाव जबरदस्त। मुझे एक रोटी माविया के लिए भी बना ले प्लीज। ये देखिए जी ये मोइज ने रोटी डाल दी है और मोइज ने बिल्कुल परफेक्ट गोल रोटी डाल दी है। अभी ये मोइज नेक्स्ट रोटी माविया के लिए बनाने लगे हैं और यहाँ पर चाय भी जो है ना वो डन हो चुकी हुई है। मैं दिखा सकूँ देखिए चीज बन चुकी हुई है। अब यहाँ से हम लेंगे अपना टोंग। ये देखिए अभी सही कलर नहीं आया चाय का। मोइज प्लीज़ आप मेरी चाय में थोड़ी सी पत्ती डाल दें, मुझे कम लग रही है। थोड़ी सी ही डालिएगा, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं लूँगी। यस ये देखिए चाय हो गई, ये रोटी बन गई। ये मोइज रोटी बना रहे हैं, चाय भी हमारी बस डन होने वाली है। अब सही कलर आ गया चाय का। यहाँ पर मोइज ने दूसरी रोटी भी बेल ली है। वेल डन, वेरी गुड। मेरा बेटा बड़ा समझदार है। मोइज ने रोटी बना ली है, इसको थोड़ा सा ऐसा सेक लेना आग के ऊपर, डायरेक्ट सेक ले। नहीं इसके ऊपर सेक ले, ज़्यादा अच्छी बनेगी। यस आप ही रोटियां बनाएंगे? नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं घी डालने लगी हूँ, अभी पुलाव बनाने जा रही हूँ। ये चला गया।
अभी फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है और अभी यहाँ पर जो है ना मैंने यखनी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी हुई है। ये देखिए यखनी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर जो है ना मैं चावल की तैयारी करने लगी हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैंने जो है ना वो टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन बीच में ऐड कर दिया है और यखनी भी डाल दी है। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब बस थोड़ी देर में ही हमारा खाना जो है ना बस वो फिर मैं चावल ऐड करूँगी और हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। और हमारी लाइट भी इस टाइम बंद हो चुकी हुई है, पता नहीं लाइट का क्या इशू चल रहा है, कब पाकिस्तान में ये मसला सॉल्व होगा। तो जी यहाँ पर पानी को उबाला आ चुका हुआ है, पानी बॉयल हो रहा है यखनी वाला। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चावल। जी यहाँ पे हमारे चावल हो चुके हुए हैं ऐड। ये देखिए ये देखें जी, ये रही हमारे पुलाव की फाइनल लुक। यहाँ पर चावल बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, बबल्स आने शुरू हो गए हैं और हमारी लाइट जो है ना वो स्टिल बंद है, अभी तक नहीं आई। यहाँ पर पुलाव हो चुका हुआ है रेडी और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ दम। थोड़ी ही देर में मैं इसको दम लगा लूँगी, बस लगाने वाली हूँ और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपकी फाइनल लुक भी इसकी दिखाऊँगी। ये हो चुका हुआ है रेडी, अब मैं इस पर लगाने जा रही हूँ ढक्कन। बिल्कुल ये अभी मैं थोड़ा सा देख लूँ कहीं कोई पानी बाकी तो नहीं। देखिए बिल्कुल पानी खुश हो चुका हुआ है। और अब ये मैं लगाने लगी हूँ ढक्कन। देखिए इसको दम, यहाँ पर पुलाव हो चुका हुआ है बिल्कुल रेडी। अभी मैं इसका ढक्कन उठाने जा रही हूँ। ये देखें जी पुलाव हो गया हुआ है रेडी, बिल्कुल परफेक्ट। ये रही हमारे पुलाव की फाइनल लुक। ओके जी, अब यहाँ पर हमारा पुलाव तो हो चुका हुआ है रेडी, हम लोग करने लगे हैं डिनर। आप यूं ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और मुझे लाजमन बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना कमेंट लाजमन दिया करें और लाइक भी लाजमन किया करें, आपकी सपोर्ट की ही मुझे ज़रूरत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।